और अखबार बलौदा में जानते हैं जहां घटते जल स्तर और बढ़ते पानी की समस्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। नगर पालिका की प्रशासनिक उदासीनता के चलते बलौदा बाजार में लोग पानी से त्रस्त हैं। बलौदा बाजार शक्तिपारा के रहने वाले लोगों ने एकजुट होकर विगत दिनों कलेक्टर से मिलकर मोहल्ले की धोबी तालाब में पानी भरने की मांग की थी, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल तालाब को भरने का आदेश सिंचाई विभाग को दिया था। सिंचाई विभाग ने जल तो तालाब में डाला पर वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान रहा और जिस उम्मीद से लोगों ने तालाब में पानी भरने को कहा था वो पूरा नहीं हो पाया। क्या मांग है, क्या डिमांड है, किस लिए? धोबी तालाब में पानी, एक बार पानी का यहाँ पर डैम से होते हुए पानी जरूर यहाँ पर सज्जित की गई है, लेकिन वो हमारे लिए अभी नाकाफी है। पूरे मोहल्लेवासी त्रस्त होकर अभी भी सब हम सब पानी की समस्या से जूझते हुए यहाँ पर एकत्रित होकर एक सुर में, एक ताल में, एक ही आवाज में हम सब चाहते हैं कि तालाब का गहरीकरण। सभी मोहल्लेवासी यहाँ पर एकत्रित है और मेरा ऐसा मानना है कि किसी के भी घर पे पर्याप्त पानी बोर के द्वारा नहीं आता। बाहर से पानी लाना पड़ता है, इसमें पानी नहीं रहता तो हम लोग के घर में पानी नहीं आता, टैंकर में भी पानी नहीं मिलता, बहुत लड़ाई झगड़ा होते हैं। यहाँ मेन मुद्दा तालाब गहरीकरण का है। धोबी तालाब जो बहुत दिनों से गहरीकरण नहीं हो पाया है, उसका गहरीकरण बहुत जरूरी है और सौंदर्यीकरण।